सऊदी एयरलाइंस 17 मई को उड़ान भरने की तैयार। सऊदी एयरलाइंस ने तैयारी की उड़ान भरने की इंटरनेशनल फ्लाइट 17 मई को। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज अरब न्यूज़ में बताया गया है कि जो 17 मई को जो फ्लाइट खुली थी वो उन लोगों ने सऊदी एयरलाइंस ने शो कर दिए, जैसा कि अरब न्यूज़ में बताया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने बयान किया गया है। जिद्दा द किंगडम फ्लैगशिप कैरियर इज प्रिपरेशन फॉर फुल कैपेसिटी ऑपरेशन एहेड ऑफ लिफ्ट ऑफ द ट्रेवल बैन नेक्स्ट मंथ विद सऊदी ईगर टू सेफली रिटर्न ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 पेंडेमिक। सऊदी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट साले अल जासिर चेयर्ड मीटिंग्स विद सऊदी एयरलाइंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिस्कस प्रिपरेशन फॉर द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट ऑन May 17। द डेट विल मार्क द एंड ऑफ द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल फॉर सऊदी सिटीजन बाई लैंड एयर एंड सी। इस्माइल अयूब 13 सैड ही विल बी ट्रेवल एज सून एज द अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक द दुबई बींग द फर्स्ट चॉइस ड्यू टू देयर हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी इज द वन फैक्टर एंड द रीजन इज आई हैव गुड कॉन्टैक्ट इन दुबई इन द रीजन सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट विद दैम। अयूब टोल्ड अरब न्यूज। जैसा कि ये सऊदी अरब न्यूज़पेपर में दिया गया है, सारी मैं डिटेल आपको पढ़कर सुनाया, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो फ्लाइट है पहली जो डायरेक्ट मेरे ख्याल में दुबई स्टार्ट करेंगे, क्यों इजी है, फुल सेफ्टी वगैरह कोरोना के हिसाब से। तो ये न्यूज़ है, तो इंशाल्लाह जो भी कोई आज की ताज़ा खबर है, कोई नया होगा तो मैं इस तरह खबर आपको बताता रहूँगा। तो बताएँ अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो आप जैसे तीन बॉक्स में। तो शुक्रिया फॉर लाइक एंड थैंक्स। ओके इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं सऊदी की नई खबर लेकर आता रहूँ। शुक्रिया, जजाकल्लाह, सी यू सोन।